आगामी 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर अटल भवन में भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने प्रेस वार्ता किया। हजारीबाग डेस्क की रिपोर्ट। क्या कुछ को लेकर प्रेस वार्ता किया जा रहा है? आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग इकाई के द्वारा मन की बात, जो प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो की जाती है 30 तारीख को, आज 30 तारीख को की जा रही है, उसी की तैयारी के उपलक्ष्य में हम लोग आज प्रेस वार्ता रखे हैं। आप सभी प्रेस भाइयों को सादर नमस्कार। 30 तारीख को हम लोग विधायक तैयारी है, हजारीबाग जिले के तमाम मंडल मुख्यालयों में आम जन के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनना है, सुनवाना है और अधिक संख्या में लोग एक साथ बैठ करके मन की बात सुनेंगे। मन की बात या प्रधानमंत्री, जैसा देखा गया है कि भारत की आज़ादी मिलने के बाद यह पहला प्रधानमंत्री है कि जो देश की मूल समस्याओं के लिए, देश की आगामी समस्याओं उसका निदान हेतु मन की बात के माध्यम से आज देशवासियों का समस्याओं का निदान भी करते हैं, उसके बारे में चिंता करते हैं, मनन और निदान करने की कोशिश करते रहे हैं। चाहे कोविड की समस्या हो, चाहे किसी भी चाइना युद्ध बार बार करने की कोशिश करता है, ऐसे वो विकट समयों में भी देशवासियों की मन की बात कर करके लोगों को ढाढ़स बनाते हैं कि देश हमारा मजबूत है, हम किसी से कमजोर नहीं है। अगर नगर निगम क्षेत्र की अगर बात करें तो कल नगर निगम क्षेत्र में कहीं क्या कुछ फ्लैश किया जाएगा मन की बात को एक साथ? हमारे नगर निगम क्षेत्र में 32 वार्ड है, 32 वार्ड में प्रत्येक वार्ड में दो दो जगह पर अधिक संख्या में लोग मन की बात सुनेंगे और मन की बात सुन कर करके आम जन लोगों के बीच में बैठेंगे।